मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने गुरुवार को शाहपुर में बन रहे फोरलेन सड़क पीसीएफ के गेहूं क्रय केंद्र जंगल छत्रधारी, पीसीएफ के क्रय केंद्र रतनपुर एवं कुशीनगर के घोड़ा देउर क्रय केंद्र का निरीक्षण एवं जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील में धर्मगुरुओं एवं विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रमजान में कोविड-19 के दृष्टिगत घरों में रहकर इबादत करने की अपील की। मंडलायुक्त ने कहा कि कुशीनगर में टीम भावना के कार से अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है, इसे आगे भी बनाए रखना है क्योंकि चुनौती बहुत कड़ी है। निरीक्षण के दौरान जंगल छत्रधारी गेहूं क्रय केंद्र प्रभारी लॉकडाउन के कारण नोएडा में होने की जानकारी पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। इसके उपरांत उन्होंने रतनपुरा केंद्र के निरीक्षण के दौरान क्रय केंद्र प्रभारी मौके पर उपस्थित नहीं मिले और गेहूं क्रय केंद्र में किसानों के गेहूं को रखने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं थी। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए क्रय केंद्र को निरस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इसके बाद मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कुशीनगर के कप्तानगंज तहसील में धर्मगुरुओं के साथ बैठक करते हुए कहा कि कोरोना से संक्रमण से बचाव में धर्मगुरुओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप लोग रमजान में अजान के साथ साथ लोगों से अपील करें कि लोग भीड़ इकट्ठा न करें और अपने घरों में ही रहकर इबादत करें। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के मूल मंत्र का संदेश घर घर तक पहुंचाना होगा। इस अवसर पर डीआईजी राजेश डी मोदक, जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी, एसपी कुशीनगर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बाधा नहीं आना है और रात में जब आप जागते हैं तो भी आपको सावधान रहना है क्योंकि एक दूसरे से कब कहां वायरस फैल जाएगा कोई जानता नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों से फैला है वायरस जिन्हें खुद नहीं पता है कि हम वायरस से संक्रमित हो गए और फिर उनके माध्यम से पूरा परिवार 35-40 लोग परिवार में हैं, सबके सब संक्रमित हुए हैं और फिर धीरे धीरे मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप स्वयं की सुरक्षा करें, अपने परिवार की, अपने मोहल्ले की, अपने समाज की, अपने देश की सुरक्षा में आप ये याद रखें और लोगों को बताने की कोशिश करें। बलरामपुर में बता रहे हैं कल रात पर नहीं है भंडारा की जगह ये है आपकी? हाँ सर, ये यही दो हैं कि वो नहीं सर, पांच नंबर यहाँ भी है, आप गोदाम पीछे भी है। कितना गेहूँ ले लिया अभी तक? सब ले लिया है। हाँ ये दिखा दीजिए, कुछ नहीं मुझे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इन्होंने कल इससे खींचा, यहीं पेंसिल से लिख दिया। पेंसिल से लिखना तो बहुत ही गलत है। 37 क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। 24 बोरी 37 के जी उनका सत्यापन ना हुआ। एक मिनट रुकिए, और ये प्रॉपर्टी दिया नहीं, रिसीट दिया नहीं। गुलाब सर तुम हो? हाँ सर, मैं इसको तो सहायक हूँ ना। हाँ सर, अंतर्यामी मिश्रा सर। अंतर्यामी मिश्रा प्रभारी है? हाँ सर। कौन सा? नोएडा में? हाँ सर। लिख लो भाई, आपसे बात कर रहे थे। ऐसा ना हो काम शुरू करते हैं और कितनी फौज बढ़ा देंगे अगले 10 दिन। सब उनको अलग अलग मदद देगा, इसी दिन लग दीजिए।